में वृद्धि हुई है। हमारा नाम तो सुधा देवी है, नागी डैम का रहने वाला है, दुकान चलाता है हम अपने। अब पार्क बनने से हम लोग का 2 पैसा का उपकार हुआ है, दोनों फिट हुआ है। इसी तरह से खाए कमा रहे हैं, इस तरह पार्क बनने से फायदा है। अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की लाभ की, तो बर्ड वाचिंग में बढ़ती रुचि ने अभयारण्य के विभिन्न प्रजातियों से परिचित जानकार गाइडों की मांग पैदा की है। स्थानीय निवासी जिन्होंने पक्षियों की पहचान और व्यवहार में विशेषज्ञता प्राप्त की है, अब गाइड के रूप में रोजगार पाते हैं। मेरा नाम अनीश कुमार हुआ, मैं नागी वन परिसर पदाधिकारी नागी पक्षी आश्रणी में कार्यरत हूँ। विगत 2 वर्षों से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ और यहाँ के ग्रामीणों से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। पर्यटक देश विदेश से भी आ रहे हैं, हम लोग इसके विकास के लिए कटिबद्ध हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सभी के सुझाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सहयोग लेते हुए उनके रोजगार को भी विकसित करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। ये विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुका है, यहाँ की पक्षियों की संख्या अत्यधिक है एवं पर्यटक इसको देखने के लिए भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण तभी हो पाएगा जब वहां के नागरिक सामूहिक रूप से राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बनेंगे, और बिहार का नागी नक्की पक्षी अभयारण्य